Konnichiwa. Yo, anime lovers. सांजी लवर्स तो एकदम हॉर्नी ही हो गए होंगे वन पीस के चैप्टर 1034 को रीड करके। बींग एन एवरेज सांजी फैन में को ये चैप्टर बहुत सेक्सी लगा, ठीक है। सांजी दिखाया चैप्टर को बेकार नहीं बोलेगा कोई, ठीक है। अब कुछ चीज़ें इस चैप्टर में फुद्दू भी लगे, अगर अभी तक चैप्टर 1034 रीड नहीं किया है तो तुरंत से रीड कर लो, फिर मेरे नॉट एन एक्सप्लेनेशन नॉट एन रिव्यू बट अ वीडियो देखो। बिलीबिली कॉमिक्स के बारे में बता देता हूँ तुमको, बिलीबिली कॉमिक्स एक न्यू वेबसाइट है जहाँ पे बहुत से जॉनराज की कॉमिक्स और आई शुड से मानहुआस MANHUAS अवेलेबल है, वो भी एकदम फ्री में फोकट में। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना अगर नहीं किया होगा तो। और ये लो इंटीरो, लेट्स बिगिन। में मेन फोकस पड़ा है क्वीन सांजी के फाइट पे, लेकिन उसी के साथ थोड़ा सा मोमो पे भी लाइट पड़ा है। मोमो अग्नि BNF टीवी को खींचते हुए दिखा है, क्या तुमको ये जोक समझ नहीं है? अरे अग्नि मतलब फायर और BNF टीवी माने बादल, एक एक क्लाउड्स, तो फायर क्लाउड्स। हाँ तो मोमो दिखा है फायर क्लाउड्स को खींचते हुए। नाउ इफ यू रिमेंबर, मोमो से खुद के फायर क्लाउड्स नहीं बन रहे थे, बट यामाटो ने उसको फायर क्लाउड्स या फिर फ्लेम क्लाउड्स जो भी है उसकी हेल्प से उड़ना सिखा दिया था, मोर लाइक फ्लेम क्लाउड्स को पकड़ना सिखा दिया था। और क्योंकि मोमो से अग्नि बादल नहीं बन रहे, उसने अपना 7 साल वाला झांट बराबर दिमाग लगा के एक मस्त चीज़ ट्राई करना शुरू किया, दैट इज काइडो के अग्नि BNF टीवी को खींच के ओनिगाशिमा को क्रैश करने से रोकने की कोशिश करना, विच इज एक्चुअली गुड। क्योंकि आफ्टर बिकमिंग पिंक वाला बड़ा ड्रैगन, मोमो के स्किल्स का पता नहीं लेकिन मोमो का रॉ पावर बड़ा है, एंड दिस वे मोमो एक्चुअली में अपने रॉ पावर को यूज करके ओनिगाशिमा क्रैश को डिले कर सकता है, रोक तो नहीं सकता लेकिन डिले जरूर कर सकते, शायद रोक भी दे, क्या पता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सांजी वर्सेस क्वीन, और उसी के साथ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट दी सर्विस गर्ल एंड हर चूहा, जो कि आई डोंट नो वाई बट छोटा भीम के चूहे जैसा दिखता है। और मेरे को पता है कि तुम भी साला बचपन में पोगो में छोटा भीम देखते थे, ठीक है, तो ये बोल के कि छी भाई तू छोटा भीम देखता था, इट्स अ चीप कार्टून। मुन्ना लूफी जय भुंद मराने, आई बिलीव इन छोटा भीम सुप्रीमेसी। छोटा भीम के सपोर्टर्स कमेंट में लिखो हैशटैग छोटा गोट। सस्ती सरकैज़म को साइड में रख के वापस क्वीन सांजी सर्विस गर्ल चूहे पे आते हैं। सांजी क्वीन का बहुत कूल वे में फाइट हुआ है इस चैप्टर में। क्वीन तो बहुत चूतड़ औरत है, ओडा ने ना फिर से उसको दुनिया भर का टेक्नोलॉजी दिया, ओडा टेक्नोलॉजी के नाम पे लिटरली कुछ भी दिखा रहे हैं। एंड बीइंग अ वन पीस फैन, एक्चुअली बीइंग वन पीस फैंस, वी ऑल आर एक्चुअली लाइकिंग दैट शिट। क्वीन एक ऐसा चूतिया जिसने अभी तक ना जाने कितने बार अपना नया नया ट्रंप कार्ड रिवील किया है, इस चैप्टर में एक और ट्रंप कार्ड रिवील किया है, एंड गेस व्हाट, he can actually do the whole shit that Germas can do. Ichiji ka laser wala technique, Niji ka lightning ka technique, Yonji ka wo expansion wala power and ya phir technique, and even Sanji ka invisible technique. Sab cheez queen use kar sakta hai. अरे चूतिये क्वीन, जब तेरे पास इनविजिबल होने का पावर था तो फिर तूने लूफी को इनविजिबल होके क्यों नहीं रोकने की कोशिश की अपशब्द? और जो रीजन दिया ना क्वीन ने कि क्यों वो अभी तक जर्मा के टेक्निक्स यूज नहीं करता, ओहो भाई वाओ, सो ग्रेट क्वीन जी, आप तो ओहो भाई, ऐसे भाई वाह। इतना लेम था ना वो कि मैं इसके बारे में बात भी नहीं करने वाला। आ थू, आई थिंक मैंने क्वीन को काफ़ी गाली बक दिया। नाउ व्हाइल क्वीन वॉज यूजिंग दिस जर्मा टेक्निक्स ऑन सांजी, सांजी इन सबको देख के मस्त रिलेट कर रहा था कि कैसे ये वाला टेक्निक मिलता है लाल बाल वाले धूर से और कैसे ये वाला टेक्निक मिलता है हरे बाल वाले धूर से। एंड इसी चक्कर में सांजी एक बार पकड़ा भी जाता है क्वीन के एक आर्म से, जब क्वीन योनजी का टेक्निक यूज करता है और फिर क्वीन सांजी को जो घुमा घुमा के पटका है। बट जस्ट बिफोर दिस धोबी पचाड़, क्वीन ने एक इंपॉर्टेंट चीज बोला है सांजी को, सारे जर्मा टेक्निक्स को रेप्लिकेट किया जा सकता है, जिसको सुन के मेरे दिमाग में तुरंत आया कि व्हाट इफ फ्यूचर में फ्रैंकी भी जर्मा के पावर्स को यूज़ कर पाए, फिर तो जो गुद्दी बजाएगा सबकी भाई, ऐसे गायब होके ओहो हो भाई, ऐसे पच पच मारेगा सबको। मेरे को एक्चुअली में देखने गया भी ये फ्रैंकी को इन जर्मा के पावर्स के साथ, एंड आई लाइक द वे कैसे सांजी ने क्वीन के धोबी पचाड़ का जवाब उसका एक आर्म डिस्ट्रॉय करके दिया, वो भी क्वीन का लेफ्ट आर्म या फिर लेफ्ट हैंड। वेलकम टू द लेफ्ट हैंड गैंग क्वीन, सांजी किट पेरिस पर तेरा ही तो बस इंतजार कर रहे थे, अब लेफ्ट हैंड गैंग में एक फीमेल कैरेक्टर भी है मस्त। मैंने अभी तक सर्विस गर्ल के बारे में बात नहीं किया ना, आई एम श्योर तुमको याद होगा कि सांजी ने अभी अभी 4-5 चैप्टर पहले एक लड़की को बहुत गंदा हर्ट किया था, तो वो जो लड़की थी
वो यही सर्विस गर्ल है, और ये सर्विस गर्ल लाइफ फ्लोर में पहुंच गई अपने चूतिए चूहे के चक्कर में। वेल, कॉलिंग हर सर्विस गर्ल इज काइंड ऑफ रूड। मेरे को इसका नाम याद नहीं और मैं झांट अभी देखने भी नहीं वाला इसका नाम, तो लेट्स जस्ट कॉल हर चुटकी। अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया चुटकी, मैं बता दे रहा, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये चुटकी अपने चूहे के चक्कर में लिटरली क्वीन से फिर से मार खाने वाली थी। फिर से इसलिए बोला क्योंकि कुछ चैप्टर पहले भी इस लड़की को क्वीन ने ही मारा था इनविजिबल होके, ना कि सांजी ने। और हाँ, क्वीन के स्टेल्थ ब्लैक टेक्निक को देख के सांजी खुद भी इनविजिबल हुआ इस चैप्टर में। बट सांजी जिस वे में इनविजिबल हुआ है ना, इट्स वे मोर कूलर देन जर्मा वाला टेक्निक। लौंडा लिटरली इतना तेज मूव कर रहा है कि वो दिख ही नहीं रहा है, विच ऑल्सो टेल्स अस कि सांजी का ऑब्जर्वेशन हाकी एक गॉड लेवल पे है। इतने हाई स्पीड से मूव करके भी सब चीज़ का अवेयर होना, मतलब सब चीज़ ढंग से अटैक कर पा रहा है भाई वो लौंडा, सब नहीं कर सकते भाई। और सांजी ने जो किया ना, फिर एकदम स्पीड में एक्सोस्केलेटन प्लस आर्मामेंट हाकी यूज करके उसने जो हीट प्रोड्यूस किया, और फिर एकदम गुस्से में जो किक्स मारा है क्वीन को, ओहो भाई ऑर्गेजम, और एकदम चिल्ला ही दिया बे क्वीन किसमा, और बोम्बा एकदम भाई स्वाद चुमा दे दना दन लात मारा सेक्सी एकदम। और दी बेस्ट पार्ट, सांजी के पैरों से लाइटनिंग सा कुछ निकलते हुए दिखा है। दिस इज़ नॉट कॉन्करर्स कोटिंग वाला लाइटनिंग, वो ब्लैक टाइप सा होता है। पिछले चैप्टर में जो जोरो का था ना, वैसा टाइप का होता है कोटिंग वाला लाइटनिंग। ये वाला ना मोस्ट लाइकली ब्लू वाला लाइटनिंग है, जैसे निजी का लाइटनिंग है ना वैसे टाइप का। ओवरऑल दिस चैप्टर वॉज ग्रेट, ऑसम, स्वाद चुम्मा, बट नेक्स्ट वीक ब्रेक, सैड। वैसे अभी तक सांजी क्वीन से कूल माइंडेड लड़ रहा था, लेकिन अब सांजी एकदम रेज में लड़ने वाला है। क्वीन लड़की को हर्ट जो किया है, गुड टू नो कि सांजी ने उस चुटकी को हर्ट नहीं किया। चुटकी फंस जाती है अपने चूहे के चक्कर में, चूतिए चूहे के चक्कर में। आई वंडर कि कैसे सांजी के पैर से फायर प्लस लाइटनिंग निकल रहा है। वैसे तुमको ब्लू फ्लेम्स के बारे में पता ही होगा, मैंने अपने सांजी थ्योरी वाले वीडियो में भी बोला था फ्यूचर में शायद सांजी के ब्लू फ्लेम्स ऑरेंज से ब्लू फ्लेम्स हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्लू फ्लेम्स आर इवन हॉटर देन ऑरेंज फ्लेम्स, तो दैट विल बी एन अपग्रेड। तो मे बी सांजी अभी ब्लू फ्लेम्स को यूज़ कर सकता है, शायद ये जो लाइटनिंग है ये शायद ब्लू फ्लेम्स ही है शायद, बट पता नहीं क्या सीन है एक्चुअली, मेरे को नहीं पता, मैं भाई अपना तुक्का ही लगा रहा है बस। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर अब 2 हफ्ते बाद आएगा, आई थिंक कि लूफी काइडो का फाइट दिखेगा अब नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत टाइम से उनका फाइट नहीं देखा है, अभी मेरे को उनका फाइट देखने का है। बिग मॉम को जल्दी लाओ यार, लॉ किड का कचुम्बर बनते हुए देखने का है मेरे को, इवन दो आई लाइक लॉ किड, तो चूतिया छोड़ो। क्वीन का हालत बहुत ख़राब हुआ है आफ्टर दी होल बोम्बा। भाई भाई कितना मारा है रे सांजी उसको, क्वीन देखना, तो क्वाइट पॉसिबल है कि क्वीन बहुत, आई मीन एक्सपेक्टेशन से भी बहुत जल्दी हार जाएगा सांजी से। उधर जोरो का कुछ कोटिंग वाला सीन है, पता नहीं उसको भी देखने का मेरे को, आई होप कि वो कोटिंग ना हो। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अभी वीडियोस लेट आएगा, एक हफ्ते में एक ही वीडियो, बिकॉज मेरे बोर्ड चल रहे हैं और मैं आज ही अभी 2 बजे ही जो है एक एग्ज़ाम दे के आया जिसमें मैं हगा है, तो 20 को मेरा ख़त्म हो रहा है, तो तब तक एक हफ्ते में एक ही वीडियोस लाएगा, ठीक है, मैं एक ही हफ्ते में एक ही वीडियो लाएगा मैं, ठीक है। आलस करने का लेजिट बहाना मिल गया यार। डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड इंस्टाग्राम सब लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे तुम मतलब तुम देख सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी जो करना है तुम करो भाई, मेरे को नहीं पता। और बिल बिल को चेकआउट कर लेना, और अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय 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 सायोनारा।